ग्राउंड रिपोर्टर की टीम से जब डॉक्टर केपी यादव जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्होंने बताया था कि उन्होंने निर्वाचन आयोग से शिकायत दर्ज कराई है कि गुना कलेक्टर एवं शिवपुरी कलेक्टर उन्हें सहयोग नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग ने गुना एवं शिवपुरी कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से निर्वाचन प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। समझ से परे है कि इस तरह का अचानक आदेश देना कहाँ तक लाजमी है। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर केपी यादव ने कांग्रेस के गढ़ यानी कि गुना शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र जो कि सिंधिया परिवार की हमेशा की सीट रही है उसको भी हराने की कवायद में काफी आगे निकल गए हैं। अभी तक के रुझानों के हिसाब से 1 लाख से ऊपर मतों से डॉक्टर केपी यादव जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उन्होंने विजय राजे सिंधिया के पोते यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा दिया है। आपको बता दें कि गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र हमेशा से सिंधिया राजघराने की सीट रही है, उस पे सदैव से ही सिंधिया राजघराने का वर्चस्व कायम रहा है, लेकिन इस बार डॉक्टर केपी यादव ने यह भी खत्म कर दिया है।